तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग एक ट्रिक्स के बारे में। जी हाँ, अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में। वो अमेजिंग क्या है, चलिए हम आपको समझाते हैं। हमने इससे प्रीवियस वाली क्लासेस में आपको बताया था रैप का फॉर्मूला। लक्ष्मीकांत जी एंड कुलदीप जी मेरे साथ है, हमने आपको बताया था रैप का फॉर्मूला। क्या होता है रैप का फॉर्मूला, इसके बारे में समझिए। पहले रेप का फॉर्मूला होता है रिपीट करना। जैसे हमने ए लिख दिया और यहाँ पे हमने लगाया फॉर्मूला और बोला कि इसको ए को 5 टाइम रिपीट कर दो। इस ए को इसने 5 बार रिपीट कर दिया। बट क्वेश्चन ये आता है कि इसका बेनिफिट क्या है, मतलब तो इसका यूज क्या है, समझ गया। अच्छा यहाँ पे मैं जैसे कि सेल्स हमने ले लिया, कुछ नंबर्स में देता हूँ, राइट। अब जैसे कि आपको याद होगा, तो मैं बार चार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा वार लगा देते हैं। बट डेटा वार जो लगाया, एक तो आपका वही लगेगा जहां आपका डेटा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको आप कहीं कॉल नहीं कर सकते। इसको कॉल करना चाहते हैं तो कॉल नहीं होता है। जैसे कि पता है वीलुकअप एचलुकअप लगाते हैं, जिसका वैल्यू कॉल होता है, इसका डेटा कॉल नहीं होता है। अच्छा जैसे कि कुछ और एक्सेल व्यूअर हो गया, इसके बाद ऑफिस वार्जी हो गया, जो आईबीएम के सिम्फनी में लगा है, उस पे वर्क नहीं करेगा, बिकॉज ये फीचर वहां पे अवेलेबल ही नहीं। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए साइड में, जिसको हम वीलुकअप एचलुकअप और बाकी चीजें उसको हम कहीं और कॉल भी कर सके, और साथ में हम इसमें बाकी जो लोअर वर्जन के एक्सेल से उस पर इस्तेमाल भी कर सके, समझे। अच्छा तो यहां पे हम रैप फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। रैप फॉर्मूला इन्वर्टेड कॉमा में हम इसको, कॉमा हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें। आप सोच रहे होंगे ये तो उस तरह से तो नहीं हुआ, ये तो था तो ऐसा ही, बट अजीब हो गया। तो इस पे आपको एक फॉन्ट अप्लाई करना होता है, ब्रिटानिक बोल्ड की, ठीक है। फॉन्ट अच्छा अप्लाई करते हैं इस तरह से बन गया, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ा है। तो हमने नंबर्स को 5 से डिवाइड कर दिया, नंबर्स को 5 से डिवाइड कर दिया, तब एक इतना छोटा हो गया। हो गया सर, अच्छा क्लियर है। अच्छा अब इसकी कलर मान ली कुछ और, मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसका कलर एक ये हो जाए, जहां जहां ग्रेटर देन 50 है वो कलर ग्रीन हो जाए। तो ग्रेटर देन 50 को हम ग्रीन करना चाहते हैं, कैसे होगा। तो इस पे हम राइट क्लिक करते हैं और यहां आते हैं न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और हम देते, क्योंकि हम किसी और फिर कहीं कंडीशन और कलर कहीं और करना चाहते हैं ना इसलिए। और जाहिर सी बात है, हम डॉलर साइन हटा देंगे यहां से। यानी कंडीशन कन्वर्टिंग में समझाया था आपको, और इसको हमने सिलेक्ट किया, देन ओके। और सॉरी माफ कीजिएगा, हमने एक छोटी सी गलती कर दी, हमने कलर फिल कर दिया। इसमें बैकग्राउंड फिल नहीं होता, इसके लिए फॉन्ट जो है, जो देना चाहते हो फॉन्ट आप दे सकते। अच्छा, समझ में आ गया सर। अब इसको कहीं कॉल भी की जा सकती है, जैसे कि हमने इसको लिया और यहां से रख दिया, तो एक कॉल भी हो जाएगी। इसको आप फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट दे दें तो सेम आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। दूसरी क्वेश्चन आती है कि एक और चीज मान लीजिए कि इसी में मेरे पास एक और तरीका है, कि मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट स्लैश लॉस है। तो यहां पे माइनस में भी है और प्लस में भी है, तो मैं यहां पे इसको एक सही तरीके से शो करना चाहता हूं। तो मैं यहां पे कंडीशन दूंगा इफ का, कि अगर ए लेस देन 0 है तो ब्लैंक, अदरवाइज नहीं, लेस देन, यहां पे जरा उल्टा दे दिया मैंने। इफ अगर ए लेस देन 0 है तो रैप फॉर्मा लगाए,
और जो रिपीट वाला फंक्शन मैंने शुरू किया था यहाँ पे शुरू करें, लेकिन प्रॉब्लम है ये माइनस नहीं लेता है, इसलिए इसके इसके अंदर एबीएस एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट डिवाइड बाय 5 कर देता हूँ, ये छोटा होता है, अदरवाइज ब्लैंक। इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ और सेम फॉर्मूला को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि पेस्ट करते हैं और इसमें हम लेस देन जीरो के जगह पे ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं, नीचे तक ड्रैग करते हैं। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम बिटैनिक बोल्ड नाम का जो फॉन्ट था वो फॉन्ट अप्लाई करते हैं। जी हाँ, बिटैनिक बोल्ड नाम का जो फॉन्ट था वो फॉन्ट अप्लाई करेंगे। इसको सिलेक्ट करके इस साइड में कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करके हम इस साइड कर देते हैं। और बीच में हम एक लाइन यहां से दे देते हैं बॉर्डर, नीचे में भी बॉर्डर दे देते हैं। इसकी कलर हम ग्रीन कर देते हैं क्योंकि ये प्लस में है, प्रॉफिट में है, और इसकी कलर हम रेड कर देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, क्योंकि रेड कर दिया। और इसको मर्ज कर दीजिए, मर्ज करने पे आप यहां पे कर दीजिए ब्रैकेट माइनस सही दिख रहा है। अब इसको हटाना है तो पेज लेआउट में जाइए और यहां से इसको लाइन हटा, ठीक है सर। तो रैप फॉर्मूले की मदद से हमने इसको यूज किया। तो दो एग्जांपल मैंने रैप के दिए आपको, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ सर। अब इसके आगे जो है एग्जांपल आप जोड़ने। तो दोस्तों देखा किस तरीके से अभी मैंने क्लासेस दी, ऐसी क्लासेस आप भी हमारे साथ जूम के थ्रू ले सकते हैं। एक क्लास है जिसमें हमने अभी रैप के बारे में बताया और बाकी सीओ के बारे में ही बताऊंगा, आप भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट ibtindia.com पे जाएं, मेरे डेमो क्लास का फॉर्म भर दें। हमारे सारे क्लासेस की वीडियो सीरीज चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको लिंक होगा मेरे एंड्रॉयड या iOS ऐप का, फटाफट उसको डाउनलोड कीजिए एंड उस पे सारे वीडियोस का सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। थैंक यू।